नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजेश और द मशीन डिज़ाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे CATIA V5 में पेड, होल और स्टिफनर कमांड का यूज़ करके एक ब्रैकेट की डिज़ाइन करना। यहां स्क्रीन पर आप एक ड्राइंग देख सकते हैं जिसमें एक एस शेप का ब्रैकेट है, जिसमें ऊपर एक बॉस है और एक थ्रू होल है और साथ ही एक रिब है जो इस ब्रैकेट को और ज़्यादा स्टिफ करता है। ये ब्रैकेट बनाने में सबसे पहले हमें एक्सट्रूड मीन्स पेड, फिर होल और स्टिफनर कमांड का यूज़ करना है। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर टैप करना ना भूलिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पर जाके मैकेनिकल डिज़ाइन पार्ट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम पेड का वन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्शन प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें आईसो व्यू में प्रॉपर व्यू लेना है तो हम हमारा राइट व्यू क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। अब डायमेंशन अप्लाई कर देता हूँ, डायमेंशन के लिए डबल क्लिक कर देता हूँ। फर्स्ट डायमेंशन, अब मैं आपको पहले यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारा फर्स्ट डायमेंशन जो 35 mm है वो आउटर कॉर्नर से लेकर इसका इनर फेस है और यहाँ पर 8 mm थिकनेस है कंटिन्यूस पूरे पार्ट की। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि 35 प्लस 8 mm देन 40 mm इसका इनर फेस से इसका आउटर फेस होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन लेंगे 35 प्लस 8 mm। और यहाँ पे इसकी लेंथ हो जाएगी 32 mm। और साथ ही हाइट की बात करें तो यहाँ बॉटम मोस्ट से लेकर टॉप मोस्ट 66 mm रहेगा, तो उसमें से 8 mm माइनस कर देंगे। अब हमें इसका ले लेना है ऑफसेट। हम अभी हमें यहाँ पर इन तीनों लाइन का ऑफसेट लेना है, तो पहले हम तीनों लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में ऑफसेट है, तो हम जो टोटल ऑफसेट वैल्यू है 8, टोटल ऑफसेट वैल्यू 8 एंटर कर लेंगे। और साथ ही इस प्रोफाइल को हम क्लोज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास केटीएम में इस प्रोफाइल को जनरेट करने के दो मेथड है। अगर हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट क्लोज करके एक पूरी प्रोफाइल बना देते हैं तो भी हम कर पाएंगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो पेड कमांड में जब हम इसे पेड करेंगे उस टाइम पे हम इसकी थिकनेस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एक बार ये मेथड देख लेते हैं, इसके बाद में इसी को आप मैं आपको थिकनेस अप्लाई करके भी बता दूंगा। तो हमारे स्केच फुली कंस्टेंट हो चुका है।
अब हम देख सकते हैं उसमें 13 की हमें डेप्थ देनी होगी, तो हम इस प्लेन के इसके दोनों साइड में देना है 15 mm मिरर एक्सटेंड, देन प्रीव्यू, देन ओके। और वहीं पर मैंने आपको फ्रेंड्स सेकंड मेथड बताया था कि इसी को मैं चाहूँ तो थिकनेस के साथ में दे सकता हूँ। मेरा थिकनेस वाला मेथड कैसा रहेगा, मैं आप इसे प्रोफाइल में जाता हूँ, स्केच में इस ऑफसेट वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक प्रोफाइल है जो आउटर डायमेंशन को लेकर है। अब इसे मैं स्केच से बाहर जाता हूँ, फिर पेड कमांड में इसे थिक अप्लाई करूँगा और थिकनेस यहाँ पर अप्लाई करूँगा 8 mm। तो अभी प्रीव्यू देख रहा हूँ मैं, तो फ्रेंड्स अभी मेरी थिकनेस इसकी अपसाइड जो चल रही थी वो आ चुकी है। अगर मैं थिकनेस इसकी यहाँ पर अप्लाई करता 8 mm 2 में तो ये डाउन सेट चला जाता। आप देख सकते हैं प्रोफाइल इस टाइप से रहती, लेकिन हमें इस टाइप से नहीं चाहिए होगी। तो यहाँ पर अपने फिर से 8 mm थिकनेस को 1 कर देते हैं, 0, चलो ओके। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू शेप आ चुका है। अब हमें फ्रेंड्स इसके ऊपर यहाँ पर ये फेस पर एक 12 mm का बॉस क्रिएट करना है जिसके अंदर थ्रू होल भी होगा। तो हम देखते हैं कि उसके लिए वापस से फिर से पेड कमांड में जाते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल के लिए क्लिक करते हैं इस प्लेन के ऊपर। यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, सर्कल का डायमीटर जो है हमारे पास में 22 mm। और साथ ही यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है 2 mm से डिस्टेंस जो रहेगी 25 mm। और सेंटर से इसको अलाइन कर रखा है, फिर तो सेंटर में आ चुका है। देख सकते हैं आप ये 30 mm का जस्ट हाफ 15 mm आ चुका है। अभी इस पेड़ की वैल्यू है 12 mm की। तो फ्रेंड्स देन अब हमें होल अप्लाई करना है, तो होल अप्लाई करने के लिए स्पेस कम जाएंगे। यहाँ पर हमें डायमीटर जो यूज करना है वो 12 mm 14 mm का यूज करना होगा। जिसे हम अप टू लास्ट कर देंगे, मीन्स ये थ्रू होल हो चुका है अभी। और इस पोजीशन की जो होल की स्केच है वो हम चेक कर लेते हैं, अभी फुली कंस्ट्रक्ट नहीं है तो हम इसे फुली कंस्ट्रक्ट दे देंगे। ये सेलेक्ट होल होल का पॉइंट और ये सर्कल, इन दोनों को हम कॉन्सेंट्रिक कर देंगे देन ओके। अब देख सकते हैं हमारे स्केच पूरी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने अभी होल कैसे क्रिएट करना वो देख लिया। अब हमारे पास में जो लास्ट रहता है वो एक ब्रिज, अभी हम ये रीप कैसे जनरेट करनी है वो देख लेते हैं। ये स्टिफनर कमांड है एटीएम में, तो देखते हैं स्टिफनर
ऑब्जेक्ट में पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल सिलेक्शन आएगा। तो प्रोफाइल हमें मिड में क्रिएट करनी है, इसलिए इसका जो मिडल प्लेन है वो क्रिएट करते हैं। और थिकनेस जो हमें रखनी है, इसकी रखनी है हमें 6 mm की थिकनेस रखनी है। और ये फॉर्म साइज, फ्रेंड्स हमें यहाँ पर प्रॉपर आइसो व्यू में बना रहे हैं। इसे इसी व्यू में रखने के लिए बार बार हम इसे, इसका जो स्केच व्यू है उसके बदले हम राइट व्यू को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसे प्रॉपर अलाइन कर पाए। अब हमें यहाँ प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर और इस पॉइंट पर इसे लॉक करने के लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पहले इसकी वैल्यू दे देंगे 43 mm, सॉरी 42 mm एंड 23 mm, 42 और यहाँ पर हम आपको वैल्यू दे देते 23। अब हम प्रोजेक्टेड लाइंस को डिलीट कर सकते हैं। अभी हमें डायरेक्शन रिवर्स इनसाइड रखनी होगी और थिकनेस 6 mm दे दीजिए। अब हम टीवी में देख सकते हैं कि हमारे पास में रिप जनरेट हो चुकी है। देन ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और किसी कमांड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे हमारे अगली एक्सरसाइज की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।